ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2023 के फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन फाइनल से पहले भारत को बांग्लादेश के खिलाफ अपना सुपर फोर का एक बड़ा मुकाबला खेलना है। ये एक ऐसा मुकाबला है जो हारें जीतें ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं फाइनल की रेस में, क्योंकि आप क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन आप हारना चाहते नहीं हैं फाइनल से पहले। और उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं बेंच स्ट्रेंथ जो हमारी है उसे आजमाने का ये अच्छा मौका है, बांग्लादेश के खिलाफ उन खिलाड़ियों को टीम में मौका मिलेगा। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा हो सकता है आराम करे और उनकी जगह पर कप्तान हार्दिक पांड्या आपको कप्तानी करते हुए नजर आए। जब कप्तान हार्दिक पांड्या बन जाएंगे तो टीम में बहुत बदलाव होंगे। अब वो चाहे ओपनिंग प्लेयर हो, ऑलराउंडर में हो या फिर गेंदबाजी एक्शंस में हो, कौन से खिलाड़ी बाहर बैठेंगे आराम करेंगे, उनकी जगह पर किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, कैसे मिलेगा, पोजीशन क्या होगी, कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशंस क्या होगी, पूरी प्लेइंग 11 इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फाइनल में टीम इंडिया को इस साथ में कौन सी टीम आप देखते हैं। चलिए जानते हैं प्लेइंग 11 में क्या होने वाले हैं बड़े बदलाव। तो जी हां, भारतीय टीम एशिया कप 2023 के लिए फाइनल में पहुंच चुकी है। टीम इंडिया टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम भी बनी है। भारत ने बीते मंगलवार को श्रीलंका को हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया था। हालांकि फाइनल में पहले टीम को 15 सितंबर यानी शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है। इस मैच में हार या जीत ज्यादा मायने नहीं रखते, ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने कहा बदलाव हो सकते हैं। और वैसे मायने इसीलिए भी रखता है ये मुकाबला क्योंकि फाइनल से पहले आप हारना भी नहीं चाहते हैं। अब टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं, चलिए बात करते हैं एक एक करके उन सारी प्लेइंग 11 के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा कि रोहित शर्मा को आराम दिया जा सकता है, तो फिर ऐसे में ईशान किशन का ओपनिंग करना तय हो जाएगा। अब दरअसल इसलिए भी क्योंकि रोहित शर्मा ने पिछले कुछ समय से लगातार खेले हैं, 3-4 दिन लगातार खेले हैं, फाइनल खेलना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है और उसके बाद भारत को वर्ल्ड कप खेलना है, तो बहुत बिजी स्केड्यूल लगता है। उस लिहाज से एक अच्छा मौका है, रोहित आराम कर सकते हैं और उनकी जगह पर ईशान किशन आपको जिम्मा संभालते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ईशान किशन ओपनिंग पेयर में प्रबल दावेदारी पेश करते हैं, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। ईशान किशन विकेट कीपिंग का भी जिम्मा संभाल लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईशान किशन जी हाँ ओपनर अच्छे हैं क्योंकि विस्फोटक अंदाज में शुरुआत करते हैं, पावर प्ले को यूटिलाइज कर सकते हैं। बीच में मिडिल ऑर्डर में इनके साथ थोड़ी समस्या ये आती है कि स्ट्राइक रोटेशन पर सवाल उठते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ईशान किशन आपको बांग्लादेश के खिलाफ ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। उनके साथ में शुभमन गिल का खेलना तय है। शुभमन गिल वो खिलाड़ी जो लगातार टीम इंडिया के ओपनिंग पेयर को प्रबल दावेदारी पेश कर रही हैं और अपनी जगह भी पुख्ता कर चुके हैं। ये वो खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छी हाफ सेंचुरी खेली, उससे पहले नेपाल के खिलाफ भी एक अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई। अब आप उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ हाफ सेंचुरी नहीं बल्कि सेंचुरी लगाए और टीम इंडिया को जीत दिलाए और जीत के साथ साथ फाइनल में आगाज करे। कुल मिलाकर शुभमन गिल का ओपनिंग करना तय है। नंबर 3 की बात करें तो नाम विराट कोहली का जाएगा। विराट कोहली बहुत ही अच्छे बल्लेबाज ये दिखाया उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। किंग विराट क्यों है दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, उसका जवाब विराट कोहली ने दिया। ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ी है। विराट की ताकत है रनिंग बिटवीन द विकेट, विराट की ताकत है कवर ड्राइव, विराट की ताकत है मैदान के हर उस कोने में रन बना सकते हैं, विराट की ताकत बल्लेबाजी, विराट की ताकत ओपोनेंट को दबाव में कैसे लाया जाता है, विराट की ताकत मिडिल ऑर्डर को कैसे संभाला जाता है और उसको पारी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। जब आप अच्छी ओपनिंग करके देंगे तो विराट शतक तो लगाएंगे ही, लेकिन अपनी टीम को हार और जीत के उस फैसले से बहुत आगे ले जाएंगे। विराट का नंबर 3 पर खेलना तय है फाइनल में भी और उससे पहले भी बांग्लादेश के खिलाफ। नंबर 4 की बात करें तो यहाँ एक बड़ा बदलाव होगा। दरअसल केएल राहुल बहुत बड़ी इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, 2 दिन लगातार खेले अब वो पाकिस्तान के खिलाफ और 3रे दिन भी उन्होंने कीपिंग करी और 3रे दिन भी खेले हैं वो लगातार श्रीलंका के खिलाफ कीपिंग करते हैं दोनों ही मुकाबलों में। फिटनेस उनकी जरूर अव्वल दर्जे की अच्छी वापसी हो चुकी है, लेकिन आप इतना ज़्यादा ही नहीं खिलाना चाहते कि जो है प्रेशर में आए, इसलिए एक आराम देने का अच्छा मौका है और उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर आपको नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल श्रेयस अय्यर जो इंजरी की वजह से कुछ 2 मुकाबलों के लिए अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब वो अवेलेबल हैं और अब उनकी टीम में वापसी हो सकती है। और वैसे भी नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की प्रबल दावेदारी है और टीम इंडिया की वो पहली
पसंद भी है। श्रेयस अय्यर बहुत ही कमाल की बल्लेबाज है, स्ट्राइक रोटेशन करने की उनकी अव्वल दर्जे की क्षमता है, बड़े हिट लगा सकते हैं, पारी को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए नंबर 4 पर इनका खेलना तय है। बात करें अगर नंबर 5 की तो यहाँ पर नाम आ जाएगा सूर्य कुमार यादव का। हो ये भी सकता है कि सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर खेल ले और श्रेयस अय्यर 5 पे आ जाए। अब सूर्या की एंट्री इसलिए भी हो रही है क्योंकि सूर्या को आप खिलाना चाहते हैं, उनको आप एक मौका देना चाहते हैं ताकि वो अच्छी बल्लेबाजी कर सके। सूर्य कुमार यादव T20 के नंबर 1 बल्लेबाज, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैदान के हर कोने में रन बना सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ऐसे में इस खिलाड़ी की फॉर्म क्षमता को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकता है ये खिलाड़ी। मिडल ऑर्डर में मौके मिले, हालांकि वनडे फॉर्मेट में उनके आंकड़े इतने अच्छे नहीं है, लेकिन आंकड़े तभी अच्छे होंगे जब आप उन्हें बार बार मौका देंगे। यहां पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तो आपको 5वें पायदान पर सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बात करें नंबर 6 की तो कप्तान हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या अव्वल दर्जे के बल्लेबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही अच्छी पारी खेली। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी काफी अच्छी करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ या फिर श्रीलंका के खिलाफ बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करी है। टीम इंडिया के लिए हम मैच विनिंग इफेक्ट डालते हैं। हार्दिक पांड्या जी हाँ, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, इनका एटीट्यूड एक अलग लेवल का है, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है। टीम इंडिया को बैलेंस जो देते हैं वो हार्दिक पांड्या देते हैं, और अब तो आपको जो है बांग्लादेश के खिलाफ शायद कप्तानी करते हुए देख सकते हैं। बात करें अगर नंबर 7 की तो फिर अक्षर पटेल का नाम आएगा। दरअसल हो ये सकता है कि रविंद्र जडेजा भी लगातार खेल रहे हैं, ऐसे में अक्षर पटेल को उनकी जगह पर खिलाया जा सकता है। अक्षर पटेल बहुत ही कमाल के खिलाड़ी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, जडेजा की तरह ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, बहुत ही कमाल की उनकी बल्लेबाजी की क्षमता है। तो अक्षर पटेल आपको जो है वो नंबर 7 पर दिखाई दे सकते हैं। बात करते हैं नंबर 8 की तो नाम शार्दुल ठाकुर का आ जाएगा। खैर ये भी खिलाड़ी बहुत ही कमाल का है, पिछले कुछ समय से अपने आप को वनडे फॉर्मेट में ढाला है, अच्छी बल्लेबाजी का विकल्प प्रदान करते हैं नंबर 8 पर, और गेंदबाजी में विकेट टेकर अवेबिलिटी इनके पास में है। इसीलिए जो आपको नाम दिखाई देता है वो शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर, विकेट झटकाने की क्षमता इनके पास में है। पाकिस्तान के खिलाफ भी एक अच्छा विकेट लिया, हालांकि श्रीलंका के खिलाफ उन्हें मौका तो नहीं मिला, लेकिन हाँ यहाँ ये बदलाव होगा कि उनकी वापसी अब होने वाली है बांग्लादेश के खिलाफ। अब बात करते हैं 3 गेंदबाजों की तो उसमें कोई डाउट नहीं, 9th पोजीशन पर कुलदीप यादव आ जाएंगे। कुलदीप यादव जो पिछले 2 मैचों में 9 विकेट लेकर आ रहे हैं, कुलदीप यादव जिन्होंने काफ़ी अच्छी वापसी करी है, कुलदीप यादव वो जिनकी गेंदों को पट पाना इतना आसान भी नहीं है, कुलदीप यादव वो जो कमाल की फॉर्म और लय में है, इसलिए कुलदीप यादव का नंबर 9 पर खेलना तय है। कुलदीप यादव चाइनामैन गेंदबाज हैं और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी फिलहाल कर रहे हैं और एशिया कप में कमाल की फॉर्म पकड़ी है। 30 गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है क्योंकि वो भी लगातार खेले हैं 3 दिन और आप उनको फिट रखना चाहते हैं, कोई ज़्यादा लोड देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए जसप्रीत बुमराह को यहाँ आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह पर मोहम्मद शमी, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलर है नो डाउट, शमी एक अव्वल दर्जे के गेंदबाज है, बाहर बैठे इसका मतलब ये नहीं कि वो काबिलियत नहीं, काबिलियत बहुत है इस खिलाड़ी के अंदर, बस टीम में वो कॉम्बिनेशंस नहीं बन पाता है, लेकिन अब आपको बांग्लादेश के खिलाफ वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं नंबर 10 पर। और बात करें अगर नंबर 11 की तो वहां पर नाम मोहम्मद सिराज का जाता है। बहुत ही कमाल के ये खिलाड़ी है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, टीम इंडिया का ओडीआई का नंबर 1 गेंदबाज है, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी एशिया कप के इस टूर्नामेंट में भी करी है, तो इसलिए आपको मोहम्मद सिराज नजर आएंगे बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये कुछ ऐसी प्लेइंग 11 है जहां हम सोचते हैं कि शायद रोहित शर्मा आराम कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या कप्तानी कर सकते हैं। रोहित ने ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी करके दिखाया है। अब आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस प्लेइंग 11 के बारे में जरूर बताएं। ये तो थी हमारी राय।